man's enemy. मनकरा दुश्मण काहे बनया, आओ इन माथे विचार करा। मनक मनकरा दुश्मण काहे बनया, आओ इन माथे विचार करा। नमस्कार साथियों, मैं ब्रजमोहन मौर्य और आप देख रहे हैं जनता आवाज। साथियों, आज मैं आपको अपने प्रोग्राम में एक ऐसे लोगों की टीम से रूबरू कराने जा रहा हूं जो पूरे विश्व में तहलका मचाने वाले हैं। तहलका क्यों, आपने ये वीडियो की शुरुआत में ही देख लिया होगा। जो गाने आपने सुने हैं वो 25 भाषाओं में आने वाली समय में रिलीज होने जा रहे हैं। किस तारीख को रिलीज होंगे ये भी आप वीडियो पूरा देखिए। अपने मेहमानों से हम बात करेंगे, उसमें आपको ये जानकारी मिल जाएगी। इसके अलावा एक और बात बता दूं कि जो म्यूजिक बनाया है, जो सिंगर के बेटे ने बनाया है और जो गाना गाया है, वो 25 भाषाओं में, देश की, पूरे विश्व की, अलग अलग देशों की 25 भाषाओं में गाना गाया है एक ही व्यक्ति ने। यह सबसे बड़ी बात है। जो सिंगर है वो पाकिस्तान के हैं। आइए तो उनसे मुलाकात करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से परिचय करा देता हूं। ये ऊपर की विंडो में मेरे साथ में है फैजल जैनी जी हैं, उनके साथ में उनके बेटे हैं मोतीजिम फैजल जी, और साना खान जी हैं, मिल्स आर्टिस्ट हैं, सिंगर हैं, जो इस गाने में आवाज दी है। सबसे पहले सभी का हमारे प्रोग्राम में आने के लिए स्वागत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें मौका दिया अपने प्लेटफॉर्म पे आने का और हमसे कुछ पूछने का। हमने ये काफी मेहनत से बहुत बड़ा प्रोजेक्ट किया है और आप जैसे ही लोग हैं जो इस मैसेज को आगे सब तक पहुंचाने में जो है वो साथ देंगे भरपूर तरीके से, हमें यकीन है, और हम आपका खैर मकदम करते हैं। तो सर, सबसे ये सॉन्ग जो है हमने, जी जी, अपने गाने के बारे में बताइए, आप क्या कहना चाहोगे पूरे विश्व को इस गाने जी के बारे में। ये सॉन्ग जो है सर, असल में देखें, लोग बहुत, काफी हद तक तकरीबन 90% लोग मौसीकी को बहुत पसंद करते हैं, तो हमने सच्चाई और कई मैसेज हैं इसमें। जैसे बहुत से लोग लड़कियों को मतलब वो समझते हैं, पराया समझते हैं, और कुछ हुकूमत में लोग जो हैं वो दगाबाज या झूठे आ जाते हैं। उन लोगों को अच्छा मैसेज देने के लिए कि सही तरीके से काम करें, सच्चाई को फैलाएं, तो ये एक मैसेज सॉन्ग है असल में। तो इसका मतलब, ये सॉन्ग हमारा नहीं है, ये हमने गाया जरूर है, लेकिन ये पूरी दुनिया का सॉन्ग है। और हमने इसको 25 लैंग्वेजेस में इसलिए किया है ताकि जो अपनी भाषा को, मदर लैंग्वेज को समझता हो, वो इसको उसी लैंग्वेज में सुने और इसको अपने ही लोगों में आगे बढ़ाए। और अगर उनके कोई डिफरेंट लैंग्वेज जानने वाला हो वो उस सॉन्ग का लिंक आगे भेजे। तो ये एक खिदमत है इंसानों के लिए, हमने ये करने की कोशिश की है। सब लोग अगर हमारा साथ देंगे तो यकीनन कुछ ना कुछ, अगर पूरी दुनिया में 20% भी इस गाने को सुनकर लोग अपने आप को चेंज कर लें, थोड़ा सा माइंड अपना पॉजिटिव कर लें, जो नेगेटिव माइंड लोग रखते हैं, तो हम समझेंगे हम कामयाब हो गए। तो बिल्कुल बिल्कुल सर, लोग सुनेंगे बिल्कुल, इस गाने से बदलाव आएगा, क्योंकि मैंने आपके गाने सुने हैं 3-4 भाषाएं, जैसे राजस्थानी हो गई, भोजपुरी हो गई, और उर्दू में, इंग्लिश में, तो जो भाषाएं मेरे को समझ में आई उसका बहुत ही अलग ही उसका म्यूजिक और उसके लिरिक्स हैं, बहुत मीनिंगफुल हैं। तो सर, क्या परेशानी आई आपको इस गाने में बनाते वक्त, इसको कंपोज करते वक्त, निश्चित तौर पर? हाँ, हमें शुरू में जो है वो जब हमें ये प्रोजेक्ट दिया गया था
मेरे माइंड में था कि मैं तकरीबन जो है 6-7 लैंग्वेज में इसको कर लूंगा, जो जैसे उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, और कुछ इस तरह की लैंग्वेज है, पश्तो है। लेकिन फिर ऐसा हुआ कि बंगाली गाना एक था, बाकी दूसरी लैंग्वेजेस के लिए मैंने लोगों को हायर करना था, लोगों को मतलब मैंने रिक्वेस्ट किया जो जिस लैंग्वेज से जुड़ा हुआ है, जो जिसकी मदर लैंग्वेज है, उनको दोस्त कुछ पहले से थे, कुछ मैंने दोस्त बनाए फेसबुक मीडिया के जरिए, तो इसी तरह होता रहा। तो बंगाली गाना एक हम कर रहे थे, वो थोड़ा सा एक मैं आपको इवेंट बता दूं कि वो बंदा ना आधा आधा सॉन्ग छोड़कर चला गया, तो मैं काफी जो है शर्मिंदा हो रहा था मेघराज भाई के सामने कि यार ये सॉन्ग जो है मतलब किस तरह से हम करें, फंस गया था मैं। तो मैंने क्या किया, मैंने उसको याद करने की कोशिश करी, मैंने कहा मैं अब इसको जो है ना खुद करता हूँ। तो हुआ ये कि मुझे अपनी स्किल्स का, महारत का पता चला, और मैंने याद करके वो गाना म्यूजिक के साथ गा दिया। और फिर उसके बाद मुझे फील हुआ कि इस तरीके से मैं कोई भी लैंग्वेज कर सकता हूँ, अगर मुझे गाइड मिले, कोई मुझे बताए उसका प्रोनाउंसिएशन वगैरह, थोड़ा मुझे गाइड करे इस लैंग्वेज पे, चाहे वो फ्रेंच हो, जापनीज हो, जर्मन हो, तो मैं गा सकता हूँ। जब मुझे ये चीज पता चली तो फिर मैंने हिम्मत की, और बंगाली के बाद फिर मैंने मतलब फ्रेंच कर लिया, जर्मन कर लिया, जापनीज कर लिया, चाइनीज कर लिया, फिर और हिम्मत बढ़ती रही मेरी। आपने जितनी भी लैंग्वेज में ये गाना गाया है, तो आपको ये पहले जी सर आपकी आवाज कट गई? नहीं नहीं, ये इतनी सारी जबाने तो कहाँ आती हैं, ये हमने जो है मतलब वैसे किया है, लोगों से हेल्प लेके किया है कि हमें इसका प्रोनाउंसिएशन बताएं। लिखने में तो आपको पता है कि हर लैंग्वेज इंग्लिश के ऊपर रोमन में लिखी जा सकती है, बिल्कुल बिल्कुल होता है उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है, उसके लिए हमने लोगों से हेल्प ली। और म्यूजिक तो आपको पता है, म्यूजिक एक ऐसी लैंग्वेज है, आपको आवाज आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल आ रही है, आप बात रखें, जिसमें कोई सरहद, कोई सीमा, कोई क्षेत्र बाधा नहीं होता है, म्यूजिक ऐसी भाषा है। लोगों ने हमारा साथ फिर देना शुरू कर दिया कि उन्होंने प्रोनाउंसिएशन पे हमें ट्रेन किया लैंग्वेज पे, जैसे फ्रेंच का बंदा हमें मिला, इटालियन बंदा, इस तरीके से बाज हमने वेबसाइट से, ब्राउजर से हमने हेल्प ली, बाज हमने जैसे फेसबुक की वजह से आसानी हो गई है, हमने कांटेक्ट किए लोगों से। तो फिर उसके बाद म्यूजिक का तो आपको पता ही है, म्यूजिक तो एक अपनी लैंग्वेज है। अब म्यूजिक के ऊपर आप कोई भी लैंग्वेज लिरिक्स तो कोई भी गा सकते हैं, तो हमने जो है इसको किया। और इसमें एक चीज और बड़ी बात यह है कि इसको एक ही धुन के ऊपर नहीं किया, जिस मुल्क की कंट्री की लैंग्वेज है उसी के ट्रेडिशनल म्यूजिक को बनाने की कोशिश करी हमने, और वहीं के म्यूजिक के ऊपर, यानी कि हर लैंग्वेज की धुन जो है वो अलहदा है, कंपोजिशन अलहदा है, और इसको हमने मजे से गाया। और सबसे बड़ी बात यह कि ये लिखा बहुत जबरदस्त गया था, मेघराज साहब का बहुत बहुत शुक्र गुजार है हम कि उन्होंने इतना अच्छा गाना लिखा और हमें मौका दिया, हमें इस काबिल समझा कि हम ये कर सकेंगे, और उन्होंने हमें बहुत हौसला दिया इस प्रोजेक्ट में। हमें पूरा 1 साल लगा इस प्रोजेक्ट को कम्प्लीट करने में। जी जी जी, मोहन साहब क्या कह रहे हैं आप? ये कह रहा था, वाकई ये बहुत बड़ी बात है कि 25 भाषाओं में गाना एक अलग बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात ये है कि अलग अलग देशों की ट्रेडिशनल जो रिदम है, म्यूजिक है, उसमें म्यूजिक कंपोज करना, ये वाकई में बहुत बड़ी साहस का काम है। बिल्कुल, उसको हमने कंपोज किया। थैंक यू जी। तो हमारे साथ साना खान भी है, उनसे जानेंगे उनको गाने में क्या मतलब दिक्कत आई, उन्हें क्या सामना करना पड़ा, और इस गाने को करने के बाद में कैसा महसूस कर रही हैं। साना खान जी, और ये बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था, एक बहुत जबरदस्त मैसेज हमने दुनिया को दिया, लेकिन मजेदारी तब है जब लोग इस पे अमल भी करें। तो जी हमारे जी लिए जो है स्टार्टिंग में काफी मुश्किल आई थी रिकॉर्डिंग के वक्त, जैसे अब चाइनीज, रशियन, तुर्की, ये हमारी दुबारे नीना कभी सुनी ना बोली, तो स्टार्टिंग में काफी प्रॉब्लम आई थी, लेकिन ये कि इसको हमने अचीव किया और मेहनत और लगन के साथ हमने ये काम किया, और शुक्र है खुदा का कि हमने अपना वो कंप्लीट कर लिया जो हमारा प्रोजेक्ट था। जी जी, तो इसी चर्चा को हम आगे बढ़ाते हुए आपकी निजी लाइफ के बारे में थोड़ा 2 लाइन में जानना चाहेंगे, म्यूजिक के अलावा आप क्या करते हैं,
हमारे दर्शकों को जरूर बताइए। हमारा काम जो है वो एडवर्टाइजमेंट बनाना है जी। मैं डिजाइनर हूँ पेशे से, और हम प्रोफेशनल म्यूजिक बनाते हैं, बैकग्राउंड म्यूजिक बनाते हैं, प्रोफेशनल सिंगर हूँ मैं जी। और हमें जो है ये मिस फातिमा हमें मिली थी। मैं ये थोड़ा सा स्टोरी और बताना चाहता हूँ। मिस फातिमा हमारी बहुत अच्छी फ्रेंड है, तो उन्होंने जो है हमें इंट्रोड्यूस करवाया था मेघराज भाई से, मेघराज सिंह भाई से। जी। तो उन्होंने इंट्रोड्यूस करवाया, मेघराज साहब ने फिर हमें हमसे इंटरव्यू लिया, हमारे बारे में जाना कि हम लोग क्या क्या जानते हैं, क्या क्या काम जानते हैं। उन्होंने हमारे सॉन्ग्स वगैरह देखे, वो कुछ रोमांटिक सॉन्ग्स वगैरह हमारे यूट्यूब चैनल पे पड़े हुए थे। उन्होंने हमारा म्यूजिक, हमारी आवाज पसंद करी और उन्होंने हमें ये फिर मौका दिया, हमें ये प्रोजेक्ट दिया। और 1 साल हो गया, हमने ये 1 साल में 25 सॉन्ग्स कर लिए। अच्छा। तो सर मैं जानना चाहूंगा, वैसे आप मुझे पता है अकेले भी इस गाने को गा सकते थे, आप अकेले इस गाने को गा सकते थे। आपने 25 भाषाओं में गाने के लिए आपने फीमेल सिंगर जैसे साना खान है और एक और सिंगर है उनका सहयोग लिया, तो इसके पीछे क्या लॉजिक है आपका? निदा शेख जी, अच्छा, क्योंकि ये आपको पता है कि शोपीस जो है वो थोड़ा, मतलब जैसे हम पान जब खाते हैं तो बगैर खत्ते चूने वाला पान जो है वो मजा नहीं करता है। तो इसी तरह से अगर मेल और फीमेल दोनों ना हो तो शोबीज के अंदर जो है थोड़ा रूखापन रहता है। तो मेघराज भाई बिल्कुल ने कहा कि नहीं यार, ये ड्यूट सॉन्ग होना चाहिए। हर सॉन्ग के बिल्कुल अंदर आप जो है मतलब फीमेल सिंगर को जरूर लें। तो शुरू में हम सोच रहे थे कि किसी सॉन्ग में लेंगे फीमेल सिंगर को, किसी किसी सॉन्ग में नहीं लेंगे, लेकिन ये बहुत इम्पोर्टेंट है इस फील्ड के अंदर, क्योंकि जो है वो एक औरत की आवाज और एक मर्द की आवाज, दोनों आवाज असल में मैसेज सॉन्ग है। तो कोई मर्द की आवाज पसंद करता है, कोई औरत की आवाज पसंद करता है। तो बिल्कुल हमने सर जरूरी समझा कि हर गाना जो है मेल और फीमेल दोनों की आवाज में होना चाहिए। और मुझे माशाल्लाह से एक और इसी प्रोजेक्ट में मेरे साथ एक जुड़ी सना खान, जो बहुत जी इंटेलिजेंट है, हमारे साथ वो मौजूद हैं इस वक्त। उनसे बात करिएगा, उनसे भी पूछिएगा कि क्या रहा इस प्रोजेक्ट में। तो वो जी माशाल्लाह मेरी बहुत अच्छी बहनों में से हैं और बड़ा अच्छा उन्होंने काम किया, बड़ी मेहनत से उनसे काम किया और मेरे साथ उन्होंने ये सॉन्ग्स किए उनसे भी बात करेंगे और फैजल बहुत जी। टैलेंटेड हैं। उनके अंदर भी ऐसा ही टैलेंट है कि उनको कुछ भी सिखाया जाए, किसी भी लैंग्वेज में वो गाना गा सकती हैं। नहीं ऐसे तो सब ऐसे सिंगर, ऐसे कलाकार जो है इतने आसानी से नहीं मिलते हैं। हमें भी सिखाना पड़ेगा, मैं भी तो थोड़ा म्यूजिक का शौक है सर, म्यूजिक हमें भी बिल्कुल बिल्कुल सर, हाँ आप भी गा सकते हैं, आपके अंदर भी है, बस अंदर से निकालना पड़ता है, थोड़ा ढूंढना और पड़ता है कि हमारे अंदर ये सलाहियत मेघराज है, भाई हैं और उनकी होती है रिक्वायरमेंट लोगों मुझे में, पता है, बस थोड़ा उनकी किस स्ट्रगल किस करना क्या होता है, रिक्वायरमेंट मेहनत करनी करते हैं। होती है। तो ये हमारे साथ में आपके बेटे हैं मोतीजिम फैजल जी, इनसे भी आपकी जानना आवाज, चाहेंगे, बताइए बेटा क्या मतलब म्यूजिक में कैसा चल रहा है, इस गाने के बारे में बताइए, इस म्यूजिक बनाते वक्त क्या क्या हाँ परेशानी मोतेशिम आती से बात करें। मोतेशिम, है हाँ जी। मोतेशिम जो है वो हमारे प्रोजेक्ट के, समझे के, की पाया कहते हैं ना, पाया की पाया आया है ये। बिल्कुल जो ये शुरू में जो सॉन्ग्स हैं, तकरीबन 7 गानों के म्यूजिक मैंने बनाए। अच्छा, अच्छा उसके साथ भी ये मेरे साथ जुड़े रहे हैं म्यूजिक बनाने में। अच्छा, 7 गानों के जी बाद इन्होंने फिर कहा कि डैडी मुझे ये आ गया है और मुझे देखें आप, मुझे जरा आजमा, मुझसे 2 गाने बनवाएं। इन्होंने अगले 2 गाने मतलब बनाए मेरे चाइनीज, जी तो उसका म्यूजिक इन्होंने खुद कंपोज किया और माशाल्लाह से सिक्वेंस किया, सॉफ्टवेयर के ऊपर भी, फिर वोकल मास्टरिंग भी करी। बाकी के यानी कि 7 गानों के बाद, यानी कि तकरीबन 18 गानों का म्यूजिक जो है वो मेरे बेटे ने खुद किया। और जी। माशाल्लाह तो से मैं इनको फिर उनसे मतलब ऐसा किया है ये कि जानना चाहूंगा जैनी आप जी, इनसे ये बात हाँ करें, खुद ही पूछें आप मैं क्या इनसे पूछना जानना चाह चाहूंगा रहे क्या कहना चाहोगे आप हमारे दर्शकों से, अपनी तरफ से क्या कहना हैं। चाहोगे? आवाज कट रही है। पहले तो ये कि मेरा सीन ही होता था कि तकरीबन हर तरफ से मुझे देखना होता था प्रोजेक्ट में, नॉट ओनली म्यूजिक, साथ में हर इसमें, क्योंकि एक ईयर के वो पता होता है कि ये एंगल अभी अपडेटेड है तो जी इसमें ये इस लास्ट में होनी चाहिए। उसके बिल्कुल साथ साथ इन चीज़ों में मुझे, जब मैंने प्रोजेक्ट की लैब में मैंने रेडी करा ना, तो काफ़ी कुछ सीखा। और मैं लोगों को यही कहना चाहूँगा कि ये जो लैरिक फुल सॉन्ग है, ये बेसिकली लैरिक्स ही, हम सादे तरीके से आपको ये बात बताते हैं तो लोगों की समझ में नहीं आती,
हमने बोला लोग आजकल गाने में ज्यादा ज्यादा घूमते हैं, वो गाने के स्टाइल में बोलते हैं, तो इसी तरह मैंने म्यूजिक को थोड़ा डांसिंग मूड में रखा, ये लोग घूमे बहुत ज्यादा जो है ना, लाइक सामने वाला जो है ना बस घूम जाए, सही है, फिर वो बाद में सोची नहीं यार इसने कहा क्या था, लेट्स लिरिकल, तो यही वजह थी कि हम लोगों ने वो गाने सूरत में मैसेज को आप तक पहुंचाया, और जरूरी नहीं है आप इसको खाली सुनिए एक दफा, नहीं इस पर आप गौर करें और शेयर करें लोगों को, इसकी दावत दें या आप इस पर अमल करें, अब जैसे यूक्रेन एंड रशिया का जो सीन है आपको पता है, तो यही सीन है जो आगे पिछले सालों से भी चलता आ रहा है, जंग वगैरह हो गई, वार हो रहे हैं एक दूसरे, वर्ल्ड वार हो रहा है, तो इन सब का रेट हमने इस लिरिक्स में रखा है। यस एब्सोल्युटली यही है, कुछ लड़कियों को जैसे घर में बेटी पैदा हुई है तो वैल्यूएबल नहीं है, बेटा है तो बस वो बोझ हो गया है, इतनी बहुत जो है ना लोग मेंटली, समय आ गया है हम अपने दर्शकों को आपका थोड़ा सा 30 सेकंड की क्लिप सुनाए जाएं, उसके बाद अपनी चर्चा को आगे बढ़ते हैं। मानव मानव का है दुश्मन भवा, आओ एपा विचार करी, Why man become man's enemy? मनकरा दुश्मन काहे बनया, आओ इन माथे विचार करा, मनक मनकरा दुश्मन काहे बनया, आओ इन माथे विचार करा। हमारे साथ में इस सॉन्ग के राइटर मेघराज सिंह भाई जुड़ चुके हैं, सर बहुत बहुत धन्यवाद आपका समय देने के लिए। जी हाँ जी, मेघराज भाई कैसे हैं आप? बता दें ये हैं मेघराज भाई, यही इसके गाने के लेखक हैं, राइटर हैं, लिरिक्स जो भी आप समझिए, जो सामने जो समाज के लिए जरूरी मुद्दे हैं वो तो हमें सामने लाना ही होंगे, पर आप भी बताइए, अब सीधा मेघराज भाई से ही बात करते हैं, आप बताइए इस गाने के बारे में क्या मतलब संदेश देना चाहते हैं इस गाने से? भाई साहब ये गाना लिखा है ना हमने, पहली बात तो जो मैं अपने बारे में बता देता हूँ, वॉइस ऑफ मानव न्यूज चैनल चलाते हैं, और वॉइस ऑफ मानव का मतलब है पूरे वर्ल्ड की लोगों की आवाज, तो पूरे वर्ल्ड के लोगों की आवाज जब उठाते हैं तो वर्ल्ड में क्या समस्या है, तो हम इसको जब देखा ध्यान से हमने, तो लोगों को हमें नजर आया कि 99% जो लोग हैं वो परेशान है छूट के कारण, बेईमानी के कारण, तो हमें ऐसा लगा कि इसका इलाज क्या है, तो बेईमानी को मिटाने के लिए सच्ची ईमानदारी चाहिए, तो सच्ची ईमानदारी हमने कैसे लोगों तक पहुंचाना है, तो हमने गाना लिखा है कि सच्चाई और ईमानदारी जब इंसानों के बीच में जाएगी, और जब ये फैसल भाई जो मिले हैं मुझे पाकिस्तान से, ताल्लुक मुझे कराया था इन्होंने, जो फातिमा है ये पाकिस्तान से है, इन्होंने इनके साथ मिलवाया, तो फातिमा के जरिए अब फैसल भाई मिले, तो मुझे लग रहा था कि ये मतलब एक दो लैंग्वेज में करेंगे काम, को जैसे उर्दू जानते हैं इंग्लिश में कर सकते हैं, तो मुझे नहीं पता था कि पाकिस्तान में एक हीरा पैदा हुआ है, और दूसरी जो सड़क खान है ये जो है ये इनके साथ दे रही है, तो ये मुझे तो फिर मेरा जो सपना था वो कि अलग अलग लैंग्वेज में हम इसको करेंगे, तो 25 लैंग्वेज में 23 लैंग्वेज में कर दिया गाना ये, तो मैं तो इनका स्पेशल धन्यवाद करता हूँ, इन्होंने इतना मेरा बड़ा जो मिशन था उसको इन्होंने कम्प्लीट किया है, और मैं ये हमारी मतलब हमारी हिम्मत नहीं है करने की, अल्लाह ताला गोड़ बैठा हुआ है, आप माने ना माने वो अलग बात है, हम उसको मानते हैं, उसी की मर्जी से इतना बड़ा काम हुआ है, अरे ये हार्ट के का नहीं है, अगर कोई हमें स्पॉन्सर करता है इसके लिए तो हम इसको वर्ल्ड की जितनी भी लैंग्वेज है पूरी लैंग्वेज में इसको हम कर सकते हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ भाई साहब आपका धन्यवाद, आपने हमें
बुलाए तो मैं शुक्रिया। ये बात तो बिल्कुल सही है, पाकिस्तान के अंदर ये अनमोल हीरे हैं जो हम चाहते हैं कि दुनिया इनको देखे, अपने दर्शकों से भी कहेंगे कि इसे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। तो लास्ट सवाल और मैं लेना चाहूंगा आपसे, साना खान जी हैं और आप भी हैं जी, पहले आप बताइए, मैं दोनों से बारी बारी से एक ही क्वेश्चन है लास्ट में, आप हमारे दर्शकों को, खास करके भारत के दर्शकों, जो भारत के लोग आपको देख रहे हैं, तो क्या संदेश देना चाहोगे? बिल्कुल, हम अपने तमाम जो भारत के हमारे भाई हैं, बहनें हैं, उनको हम ये मैसेज गाने के जरिए पहुंचा, गाने के जरिए जो हमने बनाया है, हम ये मैसेज देना चाहेंगे कि ये गाना सिर्फ सुने ना, बल्कि इस पे अमल करें और इसको दूसरों तक पहुंचाएं, क्योंकि ये एक सच्चाई की राह दिखाने का एक थोड़ा सा जरिया है, एक एक्सप्लेनेशन है, एक छोटी सी क्लास है, एक थोड़ी सी टीचिंग है, कि लोगों को पता सब कुछ है लेकिन जाहिर है थोड़ा सा बताना पड़ता है। जैसे कोई भी प्रोडक्ट होती है, उसको कोई फेमस, लेकिन फिर भी उसके बारे में अगर एडवर्टाइजमेंट बनाया जाए तो वो बार बार रिपीट होता है, तो वो प्रोडक्ट ज्यादा बिकती है। तो इसी तरह सच्चे लोग हैं सारे हमारे, हमें पता है हमारे भारतीय जो जितने भी भाई बहन हैं वो सब बहुत अच्छे हैं और सुलझे हुए लोग हैं, हम जानते हैं। लेकिन सबको, चाहे वो मतलब किसी भी मुल्क के हों, जापान के हों, बांग्लादेश के हों, पाकिस्तान के हों, नेपाल के हों, उनको अगर थोड़ा थोड़ा सा याद दिलाएं, वो भी किसी इंटरटेनमेंट के रास्ते पे, तो मैं ये कहना चाहूंगा, तो वो थोड़ा सा मजबूती आती है। बिल्कुल, तो बस उनसे ये रिक्वेस्ट है कि वो सुने, उस पर अमल करें और उसको आगे बढ़ाएं, और जो सीधी रास्ते पर नहीं चल रहा है, सच्चाई का दामन नहीं थामे हुए, उसको एक्सप्लेन करें। सिंगिंग के अलावा तो कुछ भी नहीं अभी, जस्ट सिंगिंग। इससे पहले मैंने 2 साल रेडियो पे जो है वो एज अ आरजे काम किया है, और इसके अलावा अभी कुछ भी नहीं कर रही। और अभी हम लोग 1 साल से इसी प्रोजेक्ट में जो है वो मसरूफ थे, और इंडिया के लोगों के लिए बहुत सारा प्यार और ढेरों दुआएं। थैंक यू मोतेजिम फैजल जी, फैजल जैनी जी, साना खान जी, मेघराज भाई जी, आपने अपना अमूल्य समय हमारे प्रोग्राम में दिया। आशा करते हैं कि इस आपके प्रोजेक्ट को पूरी दुनिया भर में पसंद किया जाएगा और सुनकर के पूरी पब्लिक कुछ बदलाव लाएगी अपने जीवन में। एक लास्ट क्वेश्चन मेघराज भाई से लेते हुए आप सभी से विदा चाहेंगे। सर, इस प्रोजेक्ट को विधिवत तरीके से कब लॉन्च कर रहे हो आप? ये हमारे लिए 14 अप्रैल आ रही है ना, एक तो बाबा हमारे दो खुशी के दिन है, तो बाबा साहब का जन्मदिन 14 तारीख का, और दूसरा खालसा पंथ जो गुरु गोविंद सिंह ने सजाया था वो 14 तारीख को प्रकट हुआ था, मतलब 1699 में। तो हमारे दो खुशी के दिन है जो पाकिस्तान में लॉन्च करेंगे उसको कराची के अंदर। और मैं एक बात कहना चाहता हूँ लास्ट में कि अगर हम झूठ और बेईमानी के रास्ते पर चलेंगे तो हम शैतान और हैवान बन जाएंगे, अगर हम सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलेंगे तो विद्वान और महान बन जाएंगे। तो ये आप लोगों ने डिसाइड करना है, विद्वान बनना है या शैतान बनना है। तो शैतान तो कोई भी बनना बनना चाहेगा, तो सच्चाई और ईमानदारी को रास्ते में है, यही सच और ईमानदारी से सारी प्रकार की जो खुशियां होती है वो आती हैं, और जो दुख होते हैं वो झूठ और बेईमानी से निकलते हैं। तो झूठ से बचें, सच्चाई को बनाएं और अपने लाइफ को एंजॉय करें। थैंक यू। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, शुक्रिया। मोहन जी आपका भी स्पेशल धन्यवाद आपने इंटरव्यू देने के लिए। थैंक यू, शुक्रिया आपका। तो साथियों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ये था हमारी आज खास मेहमानों से मुलाकात, और आशा है आप इसे शेयर करके अपने, अगर आपके पास कोई सुझाव हो तो आप अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं।